इस सीजन के अविनाश मिश्रा क्या मास्टरमाइंड है? आप लोग मानते हैं ये चीज़? अगर मानते हैं तो बताइए ज़रूर। और मैं ये सवाल आप लोगों से क्यों पूछ रही हूँ, आप लोगों को ये पूरी वीडियो सुनने के बाद जो है, देखने के बाद जो है, पता ज़रूर चल जाएगा। देखिए, अविनाश मिश्रा के इर्द गिर्द जो है ये गेम घूम रही है। अविनाश मिश्रा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसके कारण जो है हर जगह पर उनके बारे में चर्चा हो रही है। पिछले हफ्ते भी 3-4 दिन यही सब चीज़ें चली, देन फिर उसके बाद पूरा वीकेंड का वार जो है अविनाश मिश्रा के ऊपर अगर खींचा जाना चाहिए था तो चले जाते। पर उसी मुद्दे को लेके जो है काफ़ी ज़्यादा अरफीन की जो है सलमान खान ने फटकार लगाई कि भाई जितना तो बनता उतना है नहीं। अब जो है फ्रिज अंदर रख दिया है जेल के। अविनाश ने जो है कैसे तैसे करके अपना दिमाग चला के जो है पहले मुस्कान से चिकन कर्ड ये सब चीज़ें मांगी, मुझे लगा था कि मुस्कान से मांगी, पर उसके बाद जो है उन्होंने अपनी ही दोस्त ईशा से ये सामान मांगा और ईशा ने जो है वो पूरा का पूरा सामान उठा के जो है किचन से सीधा सीधा अविनाश को दे दिया और अविनाश ने वो सामान के ऊपर जो है जो फ्रोज़न होना था जब्त कर लिया, कब्ज़ा कर लिया। अब ये चीज़ पता नहीं चली कि आखिरकार किसने ये चीज़ की, नायरा, ये सब लोगों को अब पता चल चुका है कि ईशा ने ये कदम उठाया है और ईशा ने ये पूरा सामान जो है अविनाश को वापस दे दिया है, जबकि अविनाश ने पूरा ये चिकन विकन फ्रोज़न है इन लोगों को दे दिया था। तो वहीं पर नायरा का ये भी मानना है कि भाई जो चीज़ तू हमको दे चुका है तो वापस कैसे ले सकता है। पर नायरा का ये वर्ड्स मुझे गलत लगे, उसने ये चीज़ सिर्फ फ्रिज के कारण दी थी, उसने सब लोगों को खाने के लिए नहीं दे दिया है। अब जो है ये सब लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो रज्जो है, रज्जो ने भी काफ़ी ज़्यादा समझाया। रज्जो जो है उसने देखा कि भाई पिछली बार जो है अविनाश के पास जेल में बैठे हुए काफ़ी अच्छा बन गया था विविन, और विविन ने जो है काफ़ी ज़्यादा समझाया था और बहुत ही बड़ा बन के दिखाया था, बहुत ही ज़्यादा महान बन के दिखाया था, तो अब क्यों ना मैं भी वैसा सब चीज़ें करूँ। तो अब जो रज्जत पिछले हफ्ते 2-3 दिन पहले जो है ये बात बोल रहा था कि जब ये बाहर आएगा तभी मैं बात करूँगा, मैं ऐसे बात नहीं करूँगा, अब एक वीकेंड का वार होने के बाद ये जो है वहां पर अविनाश मिश्रा के साथ चिपका हुआ है, क्योंकि इसको पता है कि अविनाश कितना ज्यादा स्ट्रांग जो है वो चल रहा है। वीकेंड के वार पे भाई सलमान खान ने तक सही बोल दिया है। ईशा ने जो है काफी सारी चीजें बोली, ईशा को समझाया रज्जो ने और रज्जो ने सही समझाया, गलत नहीं, और ईशा काफी ज्यादा डर गई कि भाई मेरे ऊपर आ जाएगा अविनाश, तू मुझे वापस दे दे, वो तू मैं तेरे को गारंटी देती हूं कि कोई भी ये चीज नहीं खाएगा, कोई भी इसको टच नहीं करेगा, पर तू मुझे वो चीज़ वापस दे दे, नहीं तो पूरा घर जो है वो मेरे ऊपर आ जाएगा, ये कैसे ना कैसे करके मेरे से ये गलती हो गई, तू उसको वापस दे। अविनाश जो है देने के लिए तैयार नहीं था, पर ईशा जो है वो मांग रही है। पर ईशा और इसकी दोस्ती है, दोस्ती में आखिरकार अविनाश ने जो है अपना सर झुका ही लिया, और रज्जो ने भी समझाया कि देख पूरे घर को तो तू सफ़र करवाएगा, पर तुम तीनों की जो तिगड़ी है, जो कि इतनी ज़्यादा तुम्हारी अच्छी दोस्ती है, उसमें भी जो है इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। देख अविनाश तू समझ ले, तू वापस दे दे, नहीं तो इसी का नाम जो है पूरे घर में घूमेगा और इसके ऊपर जो है सब लोग चिल्लाएंगे। तो अविनाश नहीं चाहते हैं कि उनकी दोस्त के ऊपर सब लोग चिल्लाए, तो अविनाश ने जो है ये वापस दे दिया, पर एक कंडीशन के साथ कि कोई भी इस चीज को खाएगा नहीं, ना पनीर को टच करेगा, ना दही को, ना चिकन को, कुछ भी हो जाए, पर उसने एक कंडीशन रखी, इसीलिए उसने वापस ले लिया। अगर कोई भी बात ये बोलता है ईशा को, तो ईशा के पास ये जवाब है कि मैंने कंडीशन रख के उससे ये वापस लिया है, तो तुम लोग भी इसको टच नहीं कर सकते हो उसकी परमिशन के बगैर। और ये एक्चुअली में पहले भी होना चाहिए था, कौन उसकी परमिशन के बगैर ये चीज टच करता है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि हक तो उसी का है राशन के ऊपर, उसने सिर्फ और सिर्फ फ्रिज के कारण ये सामान दिया था। भाई बढ़िया चल रही है गेम, मज़ेदार चल रही है, पर अविनाश ने सर झुकाया अपनी दोस्ती के ऊपर, ये अच्छा लगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।